सबने क्यूट से कृष्णा जी का ट्यूटोरियल तो देखा ही होगा। तो ये है इसका तीसरा पार्ट जिसमें कि हमारा बैकग्राउंड बचा हुआ है। तो हम फटाफट से आज के इस वीडियो में बैकग्राउंड कंप्लीट करते हैं। और आपको कैसा लग रहा हमारा वीडियो प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताइए ताकि हम भी थोड़ा सा एनर्जेटिक हो जाएं आपके कमेंट को सुन के और जोरों शोरों से वर्क करें और अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए लेके आए। तो चलिए फिर फटाफट से हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक लाइक कमेंट से जरूर करिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए फिर हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा होगा कि हमारा जो बैकग्राउंड है और मोर पंख ही हमारा बचा हुआ है। और मैं यहाँ पर ले रही हूँ एक ब्रश जो कि काफी मोटा है और सॉफ्ट है, जिसमें कि मैं एकदम हल्का सा चारकोल पाउडर टच कर रही हूँ और उसे पूरे बैकग्राउंड में यहाँ पर मैं के हाथों से ब्रश यूज कर रही हूँ ताकि जो मेरा जो शेडिंग है वो बहुत ही अच्छा आए और हर जगह पे बराबर दिखे। ज्यादा फोर्स लगा के अगर आप यहाँ पर ब्रश यूज करेंगे ना तो वो कहीं पर ज्यादा दिखने लगेगा, डार्कनेस कहीं पर कम दिखने लगेगा। तो मुझे सारे जगहों में एकदम सेम चाहिए, तो मैं वैसा कुछ एक अलग इफेक्ट करने के लिए यहाँ पर मैं कर रही हूँ। और साथ ही साथ मैं साइड साइड पे छोटा ब्रश जो है छोटा और स्मूथ चलने वाला ब्रश यहाँ पर यूज कर रही हूँ। साइड पे मैं यहाँ पर स्केल का यूज कर रही हूँ ताकि जो मेरा जो शेडिंग है वो हमारा जो बॉर्डर के उस पार ना चला जाए। तो इस वजह से आप भी यहाँ पर स्केल का यूज कर सकते हैं। और अगर आपके पास चारकोल पाउडर नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप हल्का हल्का सा पेंसिल का यहाँ पर यूज करिए, जैसे कि आप HB पेंसिल या 2B पेंसिल का यूज करिए और उसे हल्का हल्का सा आप एक टिश्यू पेपर ले लीजिए या फिर कॉटन ले लीजिए एंड उससे उसका यूज करके आप स्मूथ कर सकते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर मैं सर्कल बनाने के लिए एक छोटा सा डब्बा का यूज कर रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप बैंगल्स यूज कर सकते हैं, कुछ भी चीज यूज कर सकते हैं एक सर्कल बनाने के लिए। और मैं यहाँ पर इरेजर से यहाँ पर इरेज करते जा रही हूँ उस जगह को ताकि एक अलग सा बैकग्राउंड आए, क्योंकि हल्का ब्लैक का शेडिंग किया है और उसमें व्हाइट कलर का ग्राउंड बन के आएगा, बहुत ही अच्छा दिखेगा ये। तो इसलिए मैंने यहाँ पर सर्कल के ऊपर सर्कल क्रॉस करते हुए मैंने बहुत सारे सर्कल्स बनाए हैं एक अच्छा इफेक्ट देने के लिए। आप भी बिल्कुल इसी तरीके से प्रोसेस यूज करिए, आपका भी जो ड्राइंग है वो भी बहुत ही अच्छा दिखेगा। अब एंड में बारी है हमारे कृष्ण जी के मोर पंख की। तो मोर पंख के लिए मैंने सबसे पहले मोर पंख में जो बीच का पार्ट होता है जो थोड़ा सा डार्कनेस होता है, पहले मैंने 12B पेंसिल यूज किया, देन उसके नीचे साइड से मैंने उसे हल्का शेडिंग दिया है। अब इसमें 5B पेंसिल या फिर 2B पेंसिल का यूज कर सकते हैं, देन उसके ऊपर में जस्ट मैंने 2B पेंसिल का यूज किया है और 2B पेंसिल से मैंने हल्का हल्का शेडो दिया है। नीचे साइड हम थोड़ा सा डार्क देंगे, फिर ऊपर साइड मैंने लाइन लाइन करके एक ओवल का साइज दिया है जो कि उसमें होता है। फिर बीच बीच में मैंने थोड़ा सा इरेज कर दिया है ताकि पंख के जैसा थोड़ा सा इफेक्ट आए। देन उसके बाद जो बाकी का जो पंख रहता है जो कि बिखरा हुआ रहता है थोड़ा और जो कि शाइनिंग देता है, तो उसे मैं यहाँ पर सबसे पहले सबसे ज़्यादा थिकनेस वाले पेंसिल का मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ। मेरे पास यहाँ पर 14B पेंसिल था, अगर आपके पास नहीं है तो आप 10B पेंसिल यूज़ कर सकते हैं, 12B पेंसिल यूज़ कर सकते हैं, जो भी सबसे ज़्यादा थिकनेस वाला आपके पास पेंसिल हो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर हल्का हल्का सा थोड़ा सा लहराता हुआ लाइन लेते जाऊँगी थोड़ी सी आड़े तिरछी, जैसे कि कभी आपने मोर पंख में देखा होगा, कुछ भी आड़ा तिरछा सा लेते जाइए क्योंकि उसमें एकदम सीधा सीधा होना कंपलसरी नहीं है। और फिर हम क्या करेंगे, थोड़ा और डार्कनेस देने के लिए ब्रश से मैंने हल्का हल्का चारकोल का शेडिंग दे दिया है एंड उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा बीच में इरेजर का यूज करेंगे ताकि पंख के बीच का जो इफेक्ट है, जैसे कि अलग अलग पंख जो है वो बीच बीच में दिख रहे हैं, ऐसा कुछ इफेक्ट आए। तो इस तरीके से मैंने मोर पंख को कंप्लीट कर लिया है। उसी तरीके से मैंने उनका दूसरा मोर पंख का भी सेम प्रोसीजर करके कंप्लीट किया है। आप भी वैसा सेम प्रोसीजर बना सकते हैं। आप यहाँ पर 2 से 3
चार मोर पंख भी बना सकते हैं, आपकी मर्जी है अगर आप कुछ क्रिएटिविटी करना चाहें तो। और अब बच गया था उनका तिलक, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर मैंने तिलक के लिए कोई एक्स्ट्रा वर्क नहीं किया है, इरेजर लिया है, इरेजर से मैंने पर उनका तिलक बनाया है। थोड़ा सा पार्ट मैंने इरेज कर दिया है और उनका तिलक बना दिया है। और फाइनल में तो फिर आप भी अपना साइन कर दीजिए, मैंने भी अपना साइन कर दीजिए, क्योंकि अपने आर्ट वर्क में साइन करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वही तो एक चीज होता है जिससे वो आर्ट वर्क आपका कहलाता है। तो फिर ये हो गया है हमारा क्यूट से कृष्णा जी का पोर्ट्रेट कंप्लीट। तो कैसा लगा आपको हमारा वीडियो, अच्छा लगा ना? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज एक कमेंट करिए राधे राधे, और कृष्णा जी के लिए आपने राधा नाम नहीं लिया तो और क्या किया। और अगर कोई क्वेश्चन हो रहा हो तो वो भी लिख दीजिए, ताकि हम अगले वीडियो में उसे सॉल्व कर सके। तो चलिए फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो के लिए राधे राधे।